पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमें संचालित कर। हे पवित्र आत्मा, सृष्टि की शुरुआत में जिस प्रकार तू पानी पर मंडरा रहा था, इस जगत पर मंडराती रहे। हे पवित्र आत्मा हमें संचालित कर, हे पवित्र आत्मा हमें संचालित कर, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जय यीशु, जय यीशु। बैठ जाएंगे। आज हम प्रभु यीशु ने या परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वरदान के रूप में कुछ गिफ्ट दिए गए हैं, उन पर थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। हमारी भलाई के लिए, हमारी मदद के लिए प्रभु हमें बहुत कुछ देता है, उनमें से कुछ चीजों पर हम मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। सबसे पहली सहायता के रूप में दी हुई गिफ्ट है, दिया हुआ गिफ्ट है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 14 वचन 16 में हम पढ़ते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 का 16 में हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और मेरा पिता तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। दाहिना पिता ये इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करिए। कितने नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, हाथ उठाइए। बहुत सारे हैं, ठीक है, हाथ नीचे करेंगे। बाकी लोगों के लिए भी, सबके लिए है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और मेरा पिता तुम्हें 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 दूसरा सहायक प्रदान करेगा। दूसरा सहायक प्रदान करेगा, सहायक मतलब मददगार। दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु वादा करते हैं पिता से प्रार्थना करके हमको एक सहायक देने के लिए, जो सहायक कब तक हमारे साथ रहेगा? सदा, सदा। एक बात सुनिएगा, जब समस्याएं आती हैं लोग हमें छोड़ के भाग जाते हैं, लोग छोड़ के भाग जाते हैं,
कोई अपना नहीं रहता है। एक समय आता है मम्मी पापा भी छोड़ देंगे, भाई बहन छोड़ देंगे, बीवी बच्चे भी छोड़ देंगे, पति छोड़ देगा, लेकिन पवित्र आत्मा छोड़ता नहीं है। यदि हम भगाएंगे दूसरी बात है, हमने भगा दिया, हमने रहने नहीं दिया, हम अपने गंदगी में रह जाते हैं तो पवित्र आत्मा उसको भागना ही पड़ता है, नहीं तो पवित्र आत्मा हमें छोड़ के नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। अब वो मददगार के रूप में रहता है, वो मददगार के रूप में रहता है, वो कैसे मदद करता है, वो हमें कैसे मदद करता है, कैसे सहायता करता है, वो कैसे सहायक के रूप में रहता है। प्रभु के वचनों से सुनेंगे, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 26 को पढ़िए। योहन का सुसमाचार 14:26, कोई पढ़िए तुरंत। परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया, वह उसका स्मरण दिलाएगा। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, वो सहायक, वो पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा, सब कुछ समझा देगा, सब कुछ समझा देगा। बहुत कुछ हम समझ नहीं पाते हैं, सुनिएगा, मैथ्स नहीं समझ पाते, इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, और कुछ बातें नहीं समझ पाते हैं, बाइबल की बहुत सारी बातें नहीं समझ पाते हैं, मृत्यु के बारे में नहीं समझ पाते हैं, प्रभु यीशु के उस शरीर और रक्त के बारे में नहीं समझ पाते हैं, मिस बलिदान के बारे में नहीं समझ पाते हैं, माँ मरियम के बारे में नहीं समझ पाते हैं। कई ऐसी सी बातें हैं बाइबल की, कई ऐसी सी शिक्षाएं कलीसिया की नहीं समझ पाते हैं। कौन समझा देगा? पवित्र आत्मा समझा देगा। प्रभु यीशु कहते हैं, जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें वो सब कुछ समझा देगा, सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया, वो उसका स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा याद दिलाता है, प्रभु यीशु ने हमको क्या सिखाया उसे याद दिलाता है और सब कुछ समझा देता है। तो पहली मदद पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाली क्या है, कैसे सहायता करता है, वो हमको सब कुछ समझा देता, सब कुछ समझा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8:26, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8:26, पवित्र आत्मा हमें और किस प्रकार सहायता करता है, संत पौलुस लिखता है, पढ़िए। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8:26, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता। सुनिएगा, कौन सहायता करता है? आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। जब हम दुर्बल हैं हमारी सहायता करता है। आगे पढ़िए। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे प्रार्थना करें? हाँ, थक गए, काम बहुत हो गया, थक गए तो कैसे प्रार्थना करेंगे? हाँ, लेट बैठ नहीं पा रहे हैं, प्रार्थना करने नहीं आ रहा है। जी हाँ, क्या बोले, कैसे प्रार्थना करें, कैसे बोले, समझ में नहीं आता है। ऐसे समय में पवित्र आत्मा क्या करता है? पढ़िए। किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए स्वयं विनती करता है, हमारी दुर्बलता में हमें प्रार्थना करने सिखाता, हम प्रार्थना करता है। सुनिएगा, क्या करता है पवित्र आत्मा? दूसरी सहायता क्या है? यदि वो हमारे साथ है, यदि हमने उसको अपने साथ रखा है, हमारे अंदर बनाए रखा है, पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमारे लिए प्रार्थना करेगा,
हमारी अस्पष्ट आहू द्वारा, इसलिए हम रात में सो रहे हैं तब भी प्रार्थना चल सकती है। हालेलुया 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 हालेलुया। पहली सहायता क्या बोला मैंने, याद है? जवान लोग कैसे पवित्र आत्मा मदद करता है, सब कुछ समझा देता है, सब कुछ समझा देता है।